क्या आप जानते हो डिफरेंशियल का यूज मर्डर केसेस में भी किया जाता है? जी हाँ, मैंने आपको इस वीडियो में बताया था कि जहाँ भी बदलाव की दर ज्ञात करनी हो या बदलाव ज्ञात करना हो, वहाँ डिफरेंशियल का यूज किया जा सकता है। तो देखते हैं कैसे। डिफरेंशियल के द्वारा किसी भी व्यक्ति की डेड बॉडी को देखकर उस व्यक्ति के मरने का समय निर्धारित कर लिया जाता है। एक जिंदा नॉर्मल व्यक्ति का टेम्परेचर 36.5 से 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, लेकिन जब उसकी मौत हो जाती है तो टेम्परेचर अचानक कम होने लगता है। जब पुलिस या सीआईडी को कोई डेड बॉडी मिलती है तो उस डेड बॉडी के टेम्परेचर को नोट कर लिया जाता है और कुछ समय बाद भी डेड बॉडी का टेम्परेचर नोट किया जाता है। और डिफरेंशियल के द्वारा समय के उन दो बिंदुओं के बीच डेड बॉडी के टेम्परेचर में हुई बदलाव की दर ज्ञात कर ली जाती है। और ज्ञात बदलाव की दर से बॉडी का टेम्परेचर 36.5 से लेकर 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड कितने समय पूर्व था, यह भी ज्ञात कर लिया जाता है। इस प्रकार व्यक्ति के मरने का समय निर्धारित किया जाता है।